भाई साहब भेड़िया का दोगलापन देख रहे, गुड़गांव में रहता ना तू। आजा 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 आजा। अरे कितना चाटोगे, चलो खरगोश को मारने चल रहा। भाई देख लो रिकॉर्ड कर रहा होगा, अब कोई ना अपनी सेना बुला लेंगे। भाई सेना नहीं आएगी, आपने उनका भी एड्रेस लीक कर दिया। अब कौन चूतिया मेरे अकाउंट का एडमिन है? आप ही हो भाई। ओ भैनचोद, यार तुम्हें कितनी बार बोला मुझे नशा करने से रोक लिया। मैंने रोकने की कोशिश करी थी, आपने मेरे एड्रेस लीक करने की धमकी दे दी। अरे छोड़ो गाड़िया निकालो चलो। गाड़िया? भाई आप तो अकेले जाने वाले थे। चल रहा नहीं, चल रहा चल रहा नहीं, चल रहा। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। तो चलो कूटे उसे। मीडिया भाई के सामने को तेरी बैंड की साढ़े ज्यादा ट्वीट करेगा। अरे भाई रुको 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 रुको, एंगेजमेंट बढ़ गई, एंगेजमेंट बढ़ गई। गाइस थैंक यू फॉर 1 मिलियन फॉलोवर। मैं और भेड़िया भाई बचपन से दोस्त हैं। तुम लोग चूतिया भाईचारा ऑन टॉप, मैं चला फ्री फायर खेलने। तो कैसे हैं आप लोग? प्रॉब्लम एक औरत है जो कि पहले एक लड़की थी, उसके बाद एक औरत बनी। हाँ, लड़की औरत ही तो बनेगी, गंड भी थोड़ी हो जाएगी। ये कौन गुलजार का चौथा स्क्रीन पे लिख रहा है? सोचो तुम रात को टीवी देख रहे हो और एक नंबर वॉल्यूम ऊपर कर देते हो, लेकिन फिर तुम्हारा बाप आ जाता है। आवाज बंद, आवाज बंद कर। खैर आज हम एक ऐसा शो देखने वाले हैं जिसके होस्ट ने अपना 40 साल का नाबालिग जीवन गाड़ी में गुजारा है, हिंदुस्तानी भाव। और भाव ये शो नहीं चला रहे, दुनिया को चुतिया बना रहे, क्योंकि लोगों की दिक्कत है, सुन लो। मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ सेक्स करते देखा। तो इसमें भाव क्या करेंगे, बाप बेटी के बीच में लेट जाएं या बाप को बोल दें लौड़े यहाँ से निकल? तो आओ यार देखते हैं भाव का नाजायज इंसाफ और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। एक तो आज मेरे पहली सर में दर्द हो रहा, मैं तो गोली खा रहा हूँ। नायक की दवाई से प्रेग्नेंट हुई थी। अरे बहनचो, अरे हमें क्यों डरा रही हो? पति चूतिया है क्या, उस पे भरोसा नहीं है? वो तो बहुत ही गुस्सा हो रहा होगा। नायक ही वो आदमी है जिसकी वजह से हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंज सकती है। तो तू बैठ के हिला रहा है क्या? और नायक को तो कति प्लेयर बना दिया, कौन है नायक? अबे खुदा दा, लग रहा बच्चा पूरा कहां से कर देगा, और बीमार और लग रहा है, बच्चा होना हो एड्स जरूर दे देगा। और इसकी दाढ़ी देख लो, 4 किलोमीटर दूर से भी नकली लग रही है। खैर छोड़ो, भाऊ को इससे बात करने देते हैं। भाऊ बा, खैर कह भी मैं किससे रहा हूँ, आजकल बात कौन करता है, कूटने में ही ज्यादा मजा आ रहा है। और तुम लोग को और एक जादू देखने गए? अरे खुलासा, ये तो हमें पता ही नहीं था। सेट पे जो चाय बेचता उसे दाढ़ी लगा के बैठा दिया, क्यों? ताकि भाऊ अपना हाथ